चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल लविश पर। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली इन्फिनिक्स ने अपनी नोट 11 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे अपने दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, इन्फिनिक्स नोट 11 एंड इन्फिनिक्स नोट 11 एस, जो काफी ज्यादा अग्रेसिव प्राइसिंग पे लॉन्च हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 11 आपको यहाँ पे 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट, वैसे एक ही वेरिएंट है, वो आपको यहाँ पे 11,999 मतलब 12,000 का देखने को मिलता है, वो भी काफी ज्यादा तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ में। और यहाँ पे जो इन्फिनिक्स नोट 11 एस स्मार्टफोन है, उसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। बेस वेरिएंट जो 6GB रैम 64GB है, वो आपको यहाँ पे 13,000 का देखने को मिलता है, 12,999। जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम 128GB, वो भी आपको यहाँ पे 15,000 का देखने को मिलता है, काफी ज्यादा तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ में। तो इसी वीडियो में आपको यहाँ पे मैं दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो पूरी जरूर देख लीजिएगा अगर आप भी ये स्मार्टफोन को बाय करने का सोच रहे हो। अगर आप भी इन्फिनिक्स लवर हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के बेल आइकन को जाके भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है दोस्तों की नई वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के इसी वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्फिनिक्स नोट 11 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन हाईलाइट है इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन का, वो है दोस्तों इसी की बड़ी डिस्प्ले। यहाँ पे आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है 12,000 के प्राइस रेंज के अंदर, जो काफी ज्यादा तगड़ी बात हो जाती है। आपको यहाँ पे 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हाँ, 90Hz होता तो काफी ज्यादा, वैसे यहाँ पे 12,000 के प्राइस रेंज के अंदर आपको AMOLED 60Hz की डिस्प्ले देखने को मिल रही है, वो भी क्या पूरा है। मतलब यहाँ पे हम Moto G31 को कह रहे थे 13,000 के प्राइस रेंज के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलगी, बट यहाँ पे इन्फिनिक्स ने उसको भी टक्कर दे दी, 12,000 के अंदर आपको यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कर दी। आपको यहाँ पे 750 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, 92% का आपको यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे चिन्ह और बेजल होंगे वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे इसी की डिस्प्ले के अंदर 180Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है, DCI-P3 देखने को मिल जाता है, मतलब डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पे पूरा मजा आने वाला है इसी स्मार्टफोन के अंदर। और यहाँ पे मतलब डिस्प्ले अच्छी है, ऐसे नहीं है भाई यहाँ पे प्रोसेसर में यहाँ पे उन्होंने कंजूसी कर दी, यहाँ पे आपको अच्छा प्रोसेसर भी दे दिया प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। आपको यहाँ पे MediaTek का Helio G88 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो यहाँ पे 12nm की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे आता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ये प्रोसेसर है वो यहाँ पे Helio G85 का यहाँ पे स्लाइटली अपग्रेड है, जो आपको यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस दे देगा। यहाँ पे मतलब इजी यहाँ पे नॉर्मल डेली टास्क होते हैं वो यहाँ पे आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे इसी यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर। और यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है उसके अंदर आपको यहाँ पे BGA खेलने में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है HD हाई सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर भी दे दिया आपको इसी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। कैमरा की बात करें तो कैमरा भी आपको यहाँ पे 50MP का बड़ा यहाँ पे इमेज सेंसर देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से है जो लेंस है बेसिकली। और यहाँ पे दो यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे कैमरास प्रोवाइड किए हैं, 2-2 MP के जो यहाँ पे डेप्थ और यहाँ पे मैक्रो के लिए। हाँ, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं, बट इट्स ओके यार, आपको यहाँ पे 50MP का बड़ा कैमरा देखने को मिल रहा है 12,000 के प्राइस रेंज के अंदर। और यहाँ पे आपको 16MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉप नोच के साथ में आती है। यहाँ पे बैटरी की बात करें तो बैटरी भी यहाँ पे फोन काफी ज्यादा हल्का है, बट बैटरी आपको यहाँ पे बड़ी प्रोवाइड की है, 5000mAh की आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाएगी इसी फोन के अंदर। इसी के साथ ये सुनने वाली बात है कि आपको यहाँ पे 12,000 के प्राइस रेंज के अंदर पहली बार यहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है, मतलब क्रेजी है भाई। यहाँ पे 12,000 के रेंज के अंदर आपको यहाँ पे 33W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर दी इन्फिनिक्स ने, हैट्स ऑफ टू इन्फिनिक्स, मजा आया। हमने डिजाइन की तो भाई बात ही नहीं की, यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है पीछे की तरफ, यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी ही देखने को मिलनी थी आपको यहाँ पे इसी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे आपको फ्लैट एजेस देखने को मिलते हैं, फ्लैट यहाँ पे आपको साइड देखने को मिलती है जैसे आपको आईफोन्स के अंदर देखने को मिलती है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन हो जाता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको टेक्सचर डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है, काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। जो इसी का कैमरा मॉड्यूल है वो भी मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहां पे आपको 7.9 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, 187 ग्राम्स का आपको वेट देखने को मिल जाता है, जो इसी स्मार्टफोन को और भी ज्यादा यहां पे मतलब डिजाइन के मामले में प्रीमियम बना देता है, क्योंकि आपको ये जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिलता है, लाइट वेट देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है इसी स्मार्टफोन को लेकर। मतलब जो मुझे इन्फिनिक्स का यहाँ पे डाउनग्रेड फीचर लगता है वो इसी का OS है। इसके अंदर इस बार आपको यहाँ पे XOS 10 देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे जो यहाँ पे पहला यहाँ पे वर्जन था XOS का, उससे तो यहाँ पे काफी ज्यादा बेटर है, काफी ज्यादा इन्होंने लाइट कर दिया, जो यहाँ पे आपको पहले कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती थी इसी OS के अंदर वो काफी हद तक कम कर दी। बट फिर भी आपको यहाँ पे अब भी आपको यहाँ पे ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिल जाती है इन्फिनिक्स की तरफ से, जो यहाँ पे आप डिलीट नहीं कर पाते हो। और फिर भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो इन्फिनिक्स का OS है वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है ही। अगर वो यहाँ पे और यहाँ पे लाइट कर दे अपने OS को, बेटर बना दे, यहाँ पे ब्लॉटवेयर वगैरह खत्म कर दे, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स को यहाँ पे कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। फीचर जो भी आपको देखने को मिलते हैं, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी पीछे की तरफ। हाँ, यहाँ पे LED फ्लैश आपको इस बार आपको इसी फोन के अंदर फ्रंट साइड पे भी देखने को मिल रही है, ड्यूल LED फ्लैश, जो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। बाकी ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ड्यूल 4G वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, जो भी सभी सेंसर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे इसी फोन के अंदर। हम रेडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे फीचर पैक फोन है ये, जो यहाँ पे आपको 12,000 के रेंज के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल कैमरा और यहाँ पे आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। मुझे तो काफी ज्यादा तगड़ा लगा ये जो स्मार्टफोन है। यहाँ पे जो इन्फिनिक्स नोट 11S स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको यहाँ पे 6.95 इंच की एक LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको यहाँ पे 120Hz का फास्ट शिफर रेट देखने को मिल जाता है, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 10mAh बैटरी, जो भी यहाँ पे बाकी यहाँ पे लगभग स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे सिमिलर ही है। यहाँ पे OS भी आपको यहाँ पे XOS 10 ही देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत डिजाइन अलग है, बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको सिमिलर ही देखने को मिल रही है। ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो मुझे काफी ज्यादा क्रेजी लगे इसी के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। बाकी आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको यहाँ पे ये दोनों स्मार्टफोन कैसे लगे इसी के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली और इसी के फीचर्स के अकॉर्डिंगली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, हमारे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।